गेहूं का आटा हम हिंदुस्तानियों के रोज के भोजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बचपन से ही हम गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां खाकर ही बड़े होते हैं, लेकिन आज इंटरनेट पर पहली बार हम आपको फुल डिटेल में दिखाएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आधुनिकतम मशीनों का इस्तेमाल करके आटा तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि इतनी साफ सफाई से और इतने अच्छे से आटा बनते हुए आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। अभी हमें इंडिया के वीट कैपिटल मध्य प्रदेश में गंगवाल फूड्स के प्लांट पर, जहां पर आटा बनाने के लिए गेहूं मंगाई गई है, जो गेहूं यहां पर आती है वो लैब से क्वालिटी चेक होने के बाद ही आती है, तो सबसे पहले उसे यहां पे अनलोड किया जाएगा प्री क्लीनिंग के लिए। तो यहां पर गेहूं की जो बोरियां हैं उन्हें उल्टा जा रहा है इस जाल पर, जिसमें से गेहूं के अंदर जो डस्ट मिला हुआ आता है वो अलग कर दिया जाएगा। ये जो आपको बड़े बड़े पाइप नजर आ रहे हैं, इनमें सक्शन के थ्रू गेहूं के अंदर मिला हुआ डस्ट निकाला जाएगा, तो डस्ट अपना एक तरफ निकल जाएगा और जो गेहूं है वो आगे भेज दी जाएगी ड्रम मशीन के अंदर। इस मशीन में जितना भी गेहूं के अंदर लकड़ी के टुकड़े या रस्सी के टुकड़े, ऐसा कुछ मोटा कूड़ा मिला हुआ आया है, वो सारा अलग निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, यहां से अपना जो गेहूं में मिला हुआ कूड़ा है वो आ जाएगा अलग होकर, ये आप देख सकते हैं, और जो गेहूं है छनी हुई वो यहां से भेज दी जाएगी अगली मशीन में, जिसमें कि मैग्नेट लगी हुई है। यहां पे गेहूं के अंदर जो भी कुछ लोहे का पार्टिकल मिला हुआ आएगा वो सब अलग निकल जाएगा। यहां से गेहूं जाएगी अगली मशीन में, जहां पर गेहूं के अंदर अगर कोई डेड वीट, सॉफ्ट वीट या गेहूं का छिलका मिला हुआ आया है वो सारा अलग निकाल दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्री क्लीनिंग समाप्त होगी गेहूं की, जहां से भेज दी जाएगी स्टोरेज के लिए साइलो में। ये जो बड़ी सी चीज आपको नजर आ रही है, ये साइलो है जिसे कि स्पेन से इंपोर्ट कराया गया है। इसके अंदर 1500 मीट्रिक टन, जी हाँ 15 लाख किलो गेहूं स्टोर की जाएगी। आपको लगा होगा गेहूं साफ हो गई है, नहीं, अभी तो प्री क्लीन ही हुई है। तो क्लीन होने के लिए गेहूं साइलो से आएगी इस वाली मशीन के अंदर, जहां पर गेहूं के अंदर अगर कोई मोटा दाना मिला हुआ आ गया है, जैसे मक्का या सोयाबीन या गेहूं का तिनका, वो अलग कर लिया जाएगा। यहां से साफ होने के बाद गेहूं अपनी आएगी अगली मशीन में, जहां पे उसके अंदर अगर कोई मिट्टी का टुकड़ा, कंकड़ या पत्थर मिला हुआ आ गया है वो सब अलग निकाल दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं सारा बाहर निकल गया है। इसके बाद गेहूं जाएगी अगली मशीन में और क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इतनी सारी इंप्योरिटीज निकालने के बाद भी जो गेहूं का दाना बचा है उसके ऊपर डस्ट लगी हुई रह जाती है। तो यहाँ पे देखिए, वो डस्ट हटाई गई है, आपको डस्ट नजर आ रही होगी। यहाँ से डस्ट हटने के बाद फाइनली अपनी जो क्लीन गेहूं है वो निकलेगी। तो ये देखिए, बिल्कुल साफ अपनी गेहूं निकली है। आपको लगा होगा क्लीनिंग अब पूरी हो गई है, नहीं, अब ये जो साफ गेहूं निकली है इसे एक बार फिर से इन मशीनों के अंदर निकाला जाएगा कि बिल्कुल 100% श्योर हुआ जाएगा कि गेहूं के ऊपर कोई डस्ट ना बचे, गेहूं के अंदर कोई मिलावट ना बचे। इसको यहां से भेजा जाएगा पिसाई के लिए, और गेहूं को पीसने वाली मशीन इनकी स्पेशल है, ये स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करके मंगाई गई है। इसके जो आपको ये बड़े बड़े जो मोटर्स नजर आ रहे हैं, ये गेहूं की नॉर्मल टेम्परेचर पर पिसाई करेंगे कि गेहूं के न्यूट्रिएंट्स खराब ना हो। इसके अलावा जैसे चक्की में पत्थर से पीसी जाती है, उससे किरकी आ जाती है गेहूं में, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के दो रोलर लगे हुए हैं जिनके बीच में गेहूं डाली जाएगी और इनके बीच में पिसेगी, जिससे ना कोई किरकी आएगी और बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज का अपना आटा तैयार होगा। जो आटा तैयार हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है अपना कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, अभी इन पाइप्स के थ्रू होकर भेज दिया जाएगा अगली मशीन में, जहां पर आटे की एयर लॉकिंग की जाएगी। एयर लॉकिंग मतलब आटे के अंदर अगर कोई डस्ट है वो इसमें से बाहर निकल जाएगी और प्योर आटा अपना यहाँ से नीचे भेज दिया जाएगा, जहां पर आटे को छाना जाएगा। तो ये जो आपको बहुत बड़ी सी मशीन नजर आ रही है जो लगातार वाइब्रेट हो रही है, इसके अंदर बहुत तरह की छलनियां लगी हुई हैं, उन सब छलनियों के थ्रू आटा छनता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपना शुद्ध छना हुआ आटा है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। यहाँ से इस आटे को आगे भेज दिया जाएगा पैकेजिंग के लिए, जहां से ये यूनिफॉर्म साइज में, यूनिफॉर्म वेट में पैक किया जाएगा। तो ये देखिए, आटा अपना तैयार हो चुका है, और जो आटा तैयार हुआ है उसके भी हर बैच को यहाँ पे लैब में चेक किया जाता है पहले क्वालिटी के लिए, तभी जाकर उसको मार्केट में भेजा जाता है। और ये पूरा पीएलसी प्लांट कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तथा यहाँ पे जो फ्लोरिंग है वो भी ईपॉक्सी फूड ग्रेड वाली है। तो गाइस, आटा बनते हुए हमने आपको दिखाया, और जितना साफ सफाई से और हाइजीनिकली हमने यहाँ पे आटा बनते हुए देखा है, मैंने अपनी लाइफ में कहीं आटा इतनी साफ सफाई से बनते हुए नहीं देखा है। पूरा का पूरा प्लांट जो है फुल्ली ऑटोमेटेड है। एक बार गेहूं डाल दी जाए मशीन में, आटा के पैक होने तक इतना सा भी ह्यूमन टच नहीं है। इतनी बार गेहूं साफ की गई है, और ज्यादातर जो मशीनें हैं वो भी इनकी इंपोर्ट कराई हुई हैं। तो इतनी बढ़िया तरीके से आटा बनते हुए मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा है। आपको भी अगर बेस्ट क्वालिटी का आटा खाना है, आप यहाँ से आटा मंगाइए, गंगवाल आटा। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे बिल्कुल भी। मैं भी नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करूंगा, आप भी कीजिएगा। और अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वे यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। फैक्ट्री डालना तो अच्छी डालना, नहीं तो नहीं डालना, और लोग अच्छा खाना ही खिलाना, ये मेरी कंपनी और मेरी टीम का उद्देश्य।